राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन्स कैसे लें, उसकी डेट आ चुकी है। हरियाणा के अगर आप किसी भी कॉलेज से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या ऑनर्स के कोर्स या बीए पास कोर्स करना चाहते हैं तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद आपके कॉलेज के एडमिशन्स की डेट आ चुकी है। कॉलेज में आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। जैसा आपको पता है कि एमडीयू यूनिवर्सिटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एमडीयू यूनिवर्सिटी कैंपस में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कोर्स लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको सिलेबस पर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स के फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। 29 मई से लेकर 1 जून तक ये आपके कॉलेज का काम है। कॉलेज वाले डीएचई की वेबसाइट पर डाल देंगे हमारे कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल हैं, इस कोर्स में इतनी सीट्स हैं, वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और किस कोर्स में कितनी फीस लगती है। फिर आपके हो जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट। 3 जून से लेकर 25 जून तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। फिर अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है, ओटीपी के थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कि कॉलेज वाले करेंगे, आपको उसमें कुछ नहीं करना। 5 जून से लेकर 28 जून तक। फिर आती है आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, 2 को प्रोविजनल, 3 को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 3 जुलाई को, और 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आप उसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप फीस जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आती है आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी फाइनल सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 10 जुलाई को, और 10 जुलाई से लेकर आप 12 जुलाई तक फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप फीस जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपकी ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर कॉलेज में सीट्स अवेलेबल रहती हैं, अगर सीट बच जाती हैं तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यह वह इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको रिक्वायर्ड रहेगी, फैमिली आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक 10th क्लास की मार्कशीट, इंटरमीडिएट 12th क्लास की मार्कशीट भी आ चुकी होगी, करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलेगा, SCBC EWS सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट। गैप ईयर सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसने पिछले साल 12वीं क्लास पास आउट की थी और वो पिछले साल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए और वो इस साल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका एक साल का एजुकेशन में गैप हो जाता है, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवाएं जो कि आपके पास तहसील से या कोर्ट से बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।